तो आज के सीन में दिखाई जा रहा है, मतलब कपड़े भी चेंज है, मतलब क्या था आज के सीन में, कुछ अलग सीक्वेंस था क्या? आज क्या हो रहा है एक्चुअली, लास्ट दो दिनों से, दो रातों से इनफैक्ट, शाम 2 बजे मेरा बच्चा रो रहा है और कंटिन्यूसली, आई मीन ऐसा कोई परफेक्ट टाइम तो नहीं होता बच्चे के उठने का या रोने का, दिन में या रात को जो भी, लेकिन अचानक से बहुत टाइम से हो रहा है, नो दो दिन नहीं, दो तीन दो, दिन से दो दिन से हो रहा है, दो तीन दिन से, मतलब ऐसा नहीं है कि आज रोया कल नहीं रोया, परफेक्ट शार्प, जब भी दो घड़ी में 2 बजते है वो तुरंत रोने लगता है, ऐसा क्यों होता है अभी तक मुझे भी नहीं समझा। और अब धीरे धीरे, और अचानक से क्या होता है कि मेरे बच्चे के फोटोज भी गायब हो जाते हैं, और जब मेरी भाभी है रिया, उसे उस पर मुझे शक होता है, जब मैं उसके रूम में जाती हूँ देखने के लिए, तो फोटोज फटे हुए मिलते हैं मुझे, मेरे बच्चे के फोटोज उनके कबर्ड में और फटे हुए मिलते हैं, तो मुझे शक होता है उन पर। तो और जब मैं सबको दिखाने ले जाती हूँ कि देखिए कि यू नो फोटोज यहाँ पे है, मैं सच बोल रही थी कि ये मेरे बच्चे को नुकसान पहुँचाना चाहती है, ये ब्लैक मैजिक कर रही है, तो तब अचानक से फोटोज गायब हो जाते हैं, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये डिलेमा है क्या ये है? मतलब हम दोनों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि कौन कर रहा है ऐसा, मतलब क्योंकि हमने अभी क्या है ना कि अब नहीं है, नहीं अभी क्या है ना कि रिया ने, अमिता ने जैसे रिया को पर शक किया है, तो अमित का मानना है कि शायद रिया का ना भी ये करा, ये पूरा किया करा, किसी और का भी हो सकता है, वो ऐसा नहीं है कि अगर रिया ने अगर इसके लिए बुरा चाहती है तो, लेकिन जहाँ भी जहाँ अमिता का शक है वो वहाँ वहाँ जाकर पूरा सर्चिंग करेगी और पता लगाएगी, और मैं बहुत ही श्योर हूँ ये हमेशा सही पता लगाती है। कहीं ना कहीं टोना टोट का आपको मतलब एक शक तो नहीं हो रहा कि सब ये सब टोना टोट के कारण ही हो रहा है? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि नींबू मिर्ची का मिलना और ऐसी चीजें, फोटो का फटना और मेरे बच्चे का सिंदूर से रंग जाना, और फिर जब मैं देखूं अचानक से तो अचानक नहीं, और वही टाइमिंग पे रोना, ये सब कहीं ना कहीं टोना टोट का की तरफ इशारा कर रहा। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन पता नहीं ऐसे कौन कर रहा है, रिया ऐसे कर रही है क्योंकि वो मेरे बच्चे से जलती है, क्योंकि ये काफी सीन्स में अगर आपने देखा है तो रिया को ये इस बात का बहुत बुरा लगता है कि सिर्फ मेरे बेटे को ध्यान दिया जाता है, उसकी बेटी पर नहीं, तो शायद वो मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती है ताकि उसे उसके बच्चे को पूरी प्रॉपर्टी मिल जाए और उसका बच्चा सब में फेमस रहे। कहीं ना कहीं आपको कजरी पे शक तो नहीं हो रहा है? कजरी पे हाँ हो रहा है, कहीं ना कहीं मुझे कजरी पर शक हो रहा है, लेकिन अभी जो भी है आई थिंक CID की जो दया है वो आज अमिता ही है, तो वही पता लगाएगी। तो आप कैसे, मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि टोना टोटे कारण हो रहा है या फिर ऐसे रियलिटी में हो रहा है? कोई आइडिया नहीं है कि कैसे पता चलेगा क्या है क्या नहीं है, तो बहुत लंबी स्टोरी है, बहुत लंबा खींचने वाला है, तो जैसे जैसे आगे ट्रैक आते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग आपको सरप्राइज खोलते जाएंगे। तो हम कंटिन्यू सीरियल में देखते आ रहे हैं कि बच्चे को लेकर काफी मतलब ये हो रहा है, और काफी आप लोग परेशान रहते हैं हमेशा, कुछ ना कुछ दिन पे दिन कुछ ना कुछ होते ही जा रहा है। हाँ। तो मतलब बच्चे को कैसे आप सेफ रखेंगे या फिर आप कैसे? देखो एक्चुअली क्या है ना कि मैं और अमिता तो पूरी कोशिश करते हैं हमारी बीबी को सेफ रखने की, हर नेगेटिविटी से हम लोग मैक्सिमम कोशिश करते हैं दूर है, लेकिन अभी क्या करें, जैसे कि पंडित जी ने कहा था कि बच्चा कि आपको देखभाल, जैसे कि डॉक्टर ने भी कहा था कि बच्चे की देखभाल आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से और ज़्यादा केयरिंग से करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके आसपास नेगेटिविटी काफ़ी है। तो मैं और चांदनी हमेशा हमारा अमिता एक ही कोशिश रहती है कि हम बच्चे को नेगेटिविटी से दूर रखें, इसलिए अब हमने पहले झूले में सुलाते थे, अभी हम दोनों बेड पे, हम दोनों के बीच में बीवी को सुलाते हैं ना। हाँ, हम थोड़े ऐसे कैसुअल हो गए हैं, हम ज़्यादा ज़्यादा क्या कर सकते हैं, भगवान से मतलब भगवान को प्रे कर सकते हैं और पूजा पाठ कर सकते हैं, जिससे इतना बड़ा हम लोग ने रखा। अगर आप शक किया जाए तो किस किस पे शक कर सकते हैं कि ये सब के बीच में? मैं तो सिर्फ रिया और कजरी पे ही शक कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा और कोई नहीं मिला। अमित अगर आपकी बात करें तो मैं मेरे पापा और मम्मी पे मजाक कर रहा हूँ। मैं अमिता ने जो कहा उस बात से मैं एग्री हूँ, क्योंकि उसका जो काफ़ी दिन से कजरी के ऊपर जो ऑब्जर्वेशन है कि नहीं कुछ ना कुछ जो गलत हो रहा है कजरी की वजह से हो रहा है, जबकि अमित जो है वो खुद इनडायरेक्टली ये सोच रहा है कि नहीं 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 यार कजरी ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे कुछ ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है, लेकिन अमिता को पूरा कॉन्फिडेंट है कि कजरी नहीं किया होगा। सो आई थिंक आई एग्री विद अमिता। और अमित का बर्थडे है कल, तो कूल, हैप्पी बर्थडे कल, कल बाय कल लाने ही नहीं यार। ए किस बता दिए लाइटर लाइटर ला और फिर फटी उड़ाएगा मैं, ये शॉट क्या उड़ाएगा।